दोस्तों हम सभी अमेज़न का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें लगता है कि सिर्फ अमेज़न जो है शॉपिंग करने के लिए ही बना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। शॉपिंग के अलावा भी अमेज़न हमको बहुत सारे ऑफर्स, मर्चेंडाइज वगैरह देता है, जिससे हम कंज्यूमर को सेल करके आसानी से हम कमीशन कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अमेज़न UPI के बारे में, जिससे आप इजिली बैंक के किसी भी अकाउंट में और किसी भी शॉप से कुछ भी खरीद के पे कर सकते हैं और भुगतान कर सकते हैं। सो गाइज, मैं हूँ परवेज खान और आपको आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इसे कैसे यूज़ किया जाता है और ये बिल्कुल सेफ है। दोस्तों अमेज़न पे UPI का यूज़ करना बिल्कुल सेफ है। इस तरह से आप किसी भी प्रकार की बिल को, जैसे सिलेंडर की बिल भरना या बिजली की बिल भरना, या आप अपने मोबाइल का रिचार्ज करना चाहते हैं, या फास्टैग से आप टोल टैक्स भरना चाहते हैं, या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कोई टैक्स भरना चाहते हैं, आप इजिली इससे भर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं, इसे कैसे यूज़ किया जाता है मैं आपको फुली प्रोसेस करके दिखाऊंगा। अगर आपने अमेज़न की ये वीडियो जो नहीं देखी है, आप ये देख लीजिए कि अमेज़न से कैसे खरीदारी करते हैं और ऑफर्स का लाभ कैसे उठाते हैं, आप ये वीडियो देखना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अमेज़न को डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, आप वहां से भी डायरेक्ट इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद हम इसे ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद यहां पे आपको मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे इसको रजिस्टर करते हैं, इसमें अपना लॉगिन के लिए कैसे अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि कैसे अकाउंट बनाया जाता है, तो चलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको साइन इन करके दिखाता हूँ। फाइनली ये हमारा यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको शॉपिंग करने के और फ़ोनपे UPI बनाने के। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अमेज़न पे UPI कैसे रजिस्टर किया जाता है और कैसे बनाया जाता है और इसमें कैसे इसके पूरे फ़ायदे उठाए जा सकते हैं। तो चलिए अमेज़न पे UPI पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे डोनेट, योर रिवार्ड, योर ट्रांजेक्शन, एड मनी। यहाँ पे आपको दिख रहा है अमेज़न पे बैलेंस और अमेज़न पे UPI। चूँकि हमें अमेज़न पे UPI बनाना है, इसलिए हम इस पर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रोसेस दिया हुआ है, यहाँ पे हम इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे हमसे मेरा मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा और यहाँ पे हम इसे अलाउ कर देंगे। मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा और वहाँ पे एक OTP जाएगा। यहाँ से हमें सिम सेलेक्ट करना होगा, जिस सिम से मैंने अपने मोबाइल नंबर या अपने बैंक अकाउंट को जिससे लिंक किया हुआ है। हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो रहा है। जब तक ये वेरीफाई होता है मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि इसमें बहुत सारे प्रॉफिट हैं आपको। आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन पे आपको यहाँ पे ऑफ़र्स मिलते हैं, जिसे आप मर्चेंडाइज को सेल करके आप इसलिए ऑफ़र्स का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ से मैं अपना बैंक सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसलिए ये ऑटोमेटिक सब कुछ सिलेक्ट कर चुका है और यहाँ पे हम इसे कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे अब ये अमेज़न UPI ऑन हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ से चाहें तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, यहाँ पे एक स्कैन QR कोड दिया है। जैसे आप किसी भी शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे QR कोड दिया होता है, जैसे बिल को पे करने के लिए, वहाँ से आप इसे स्कैन करके भी पे कर सकते हैं। अगर आप किसी को पैसे सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ से सेंड मनी पे क्लिक करके आप पैसे सेंड भी कर सकते हैं। यहाँ से किसी का फ़ोन नंबर या UPI ID इंटर करके आप इजली से सेंड कर सकते हैं। जैसे अगर बैंक में सेंड करना है तो आप बैंक का IFSC कोड, अकाउंट नंबर और अकाउंट का होल्डर नेम डाल करके आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से अमाउंट आपको इजली ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस तरह से अगर आप अपने नज़दीकी कोई चीज़ देखना चाहते हैं, जैसे कि आपके आसपास होटल है
या हॉस्पिटल है या कोई भी ग्रोसरी वगैरह की दुकान है, तो यहाँ से आप इसे आसानी से शो करके आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर आप किसी फ्रेंड को इनवाइट करते हैं तो आप वहाँ आपको वहाँ से गेट 30 का यानी 31 रुपीज़ का आपको एक फर्स्ट मनी ट्रांजेक्शन का एक आपको बेनिफिट मिलेगा जो आपके सीधे अकाउंट में जा सकता है। यहाँ से आप चाहें तो अपने अमेज़न पे UPI को चेंज भी कर सकते हैं। क्रिएट न्यू UPI ID पे क्लिक करके आप अपनी UPI ID को चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट को यहाँ से लिंक किया जाए तो ये भी पॉसिबल है। यहाँ पे मोर बैंक पे क्लिक करके आप यहाँ पे चाहे तो चेंज UPI पिन भी कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो बैंक अकाउंट में बैलेंस भी वगैरह चेक कर सकते हैं। यहाँ से हमें पिन मांगेगा और पिन मांगने के बाद यहाँ आसानी से बैंक बैलेंस अपना चेक कर सकते हैं। अगर आपने किसी को बैंक में या ट्रांसफ़र किया है या किसी शॉप पे आपने पैसे सेंड किए हुए हैं, तो अगर आप उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे UPI ट्रांजैक्शन पे आप चेक करके हिस्ट्री वगैरह भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजैक्शन किए हुए हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने अपने UPI से कितने ज़्यादा ट्रांजैक्शन किए हुए हैं। यहाँ पे आपको सारे की सारी डिटेल्स वगैरह मिल जाएगी इजीली। इसके बाद अगर आप चाहते हैं बैंक बैलेंस चेक करना, तो यहाँ से भी आप इस पर क्लिक करके ईजिली चेक कर सकते हैं। अगर आपका बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन फंस गया है, जैसे UPI में प्रॉब्लम्स आने की या नेटवर्क इशू होने की वजह से आपका ट्रांजेक्शन फंस गया है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कस्टमर का सपोर्ट ले सकते हैं। आप मैनेज कर सकते हैं खुद से, वो भी चुटकियों में। अगर आप अपना खुद का QR कोड शो करना चाहते हैं तो QR कोड भी आप देख सकते हैं। आपका इजीली यहाँ पे QR कोड भी जनरेट हो सकता है। आप इसे कहीं भी अपनी दुकान, अपने शॉप पे या कहीं भी अपने लगा के लोगों से आसानी से UPI के द्वारा या ट्रांजेक्शन करके आप पैसे ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे दिखेंगे। जैसे आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको रिवार्ड मिलता है। जैसे कि यहाँ पे हम रिवार्ड पे जाएंगे और रिवार्ड पे देखेंगे कि बहुत सारे रिवार्ड आपको यहाँ पे मिले हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, मुझे मिला हुआ है विन अप टू 100। जैसे कि अगर एक्सपायरी टूडे दिया है, आप फर्स्ट भीम UPI से आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 100 रुपये का बोनस कार्ड मिलता है, जिसे आप कहीं भी शॉपिंग में इस्तेमाल करके आप उससे इजली फिट कमा सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन, जैसे आप मोबाइल रिचार्ज, DTH का रिचार्ज, फास्टैग रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी की बिल, या फ्लाइट टिकट, बस टिकट, ट्रेन, या आप जो चीज़ भी मूवी की टिकट बुक करना चाहते हैं, इन सबको, यहाँ तक कि बाइक का इंश्योरेंस भी आप इजली कर सकते हैं। कोई होटल की बुकिंग हो या यात्रा होटल्स की बुकिंग हो या फूड ऑर्डर करना हो तो आप यहाँ से इजली इसे कर सकते हैं। अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं या डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो फिर से हम UPI ID में जाएंगे। UPI ID में जाने के बाद मोर ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और रजिस्टर अमेज़न पे UPI पे क्लिक करेंगे। यहां से हम इसे यस रजिस्टर अमेज़न पे UPI कर देंगे तो ये हमारा डीएक्टिवेट हो जाएगा। फाइनली आप देख सकते हैं कि यहां पे फिर से गेट स्टार्टेड पर आ चुके हैं हम। अब यहाँ से हमारा बैंक अकाउंट लिंक नहीं है। अगर आपको लगता है ऐसा कि ये आपके लिए सेफ़ नहीं है तो आप इसलिए इसे डिलीट कर सकते हैं। हालांकि ये सेफ़ है, जिसका यूज़ मैं खुद कर रहा हूँ अमेज़न पे UPI का, ये मेरी बेनिफिट के लिए मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।